जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ सभी का डिफेंस टॉक के में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की जो आपकी इनटेक 1 2022 की जो आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई थी गाइज, ये एग्ज़ाम अब हमारी कब होने वाली है गाइज़, ये हमारे जो है हमारे मन में काफ़ी ये डाउट आ रहा कि अब हमारी एग्ज़ाम जो है कब होने वाली है। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की जो आपकी एग्ज़ाम है ये जो पोस्टपोन हुई है, ये एग्ज़ाम कब हो सकती है, और जो अभी एक नोटिफिकेशन वायरल हो रही है कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो हमारी जुलाई में होगी, ठीक है। तो 15 जुलाई से जो एग्ज़ाम की डेट आई है, क्या ये रियल है या फिर फेक है? तो गाइज़, आज मैंने इंडियन एयरफोर्स के हेल्पलाइन नंबर पे बात की है, उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया कि आपकी एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो गाइज़, इसी के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी वीडियो के अंत में आपको सुना दूंगा कि उनसे मेरी क्या बात हुई है। तो गाइज़, सबसे पहले जो हमारे मन में डाउट ये आता है कि जो हमारे जो ये अभी एक नोटिफिकेशन वायरल हो रही है, तो क्या ये नोटिफिकेशन फेक है? क्योंकि गाइज़, लास्ट टाइम जो आपकी 2020 में जो आपकी पोस्टपोन हुई थी एग्ज़ाम, उसमें भी ये बताया गया था कि आपकी एग्ज़ाम की डेट इसी तरह की एक नोटिफिकेशन से वायरल हुई थी, और बिल्कुल एग्ज़ाम डेट वही रहा था पिछला बार। तो गाइज़, इसी इस बार भी बिल्कुल वैसा ही, और आपको उसी तरह की नोटिफिकेशन एक वायरल हो रही है, और हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम वो रह सकती है। लेकिन गाइज़, जब मैंने हेल्पलाइन नंबर पर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि करंटली जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, और अभी जो है ये बताया नहीं जा सकता कि आपकी एग्ज़ाम कब होने वाली है। क्योंकि गाइज़, करंटली जो अभी जो कोविड के केसेज हैं वो इंडिया में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो जाए, हर एक स्टेट में कोविड के केसेस जो है बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, और ये जो है अभी कम नहीं हुई है बिल्कुल कोई भी स्टेट में। अगर आप झारखंड देखो, बिहार देखो, यूपी, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट में अगर हम देखते हैं तो करंटली कोविड के केसेस बिल्कुल भी कम नहीं है, और ये जो है पर डे और भी केसेस जो है बढ़ते ही जा रही है, केसेस पर कंट्रोल नहीं आ रहा। तो आपकी अब जब तक ये केस कंट्रोल नहीं होती है तब तक जो है हमारे एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। गाइज, आपकी जो अभी ऑलरेडी हम मई में हैं, और इस मंथ में तो आपकी ये तो 110% है कि मई में नहीं होने वाला। अब बात रही क्या जून में, हो सकता है कि जून में कंट्रोल हो जाए केसेस, क्योंकि हर एक न्यूज़ चैनल पर दिखा रहा है कि आपकी 15 मई तक ये जो है कोविड के जो ये है ये अपनी जो है पीक पर रहने वाला है, उसके बाद फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने वाला है, धीरे धीरे कम होने वाला है। तो अगर ऐसा होता है, अगर आपकी कोविड की केसेस जो है हमारी मई में ही कंट्रोल में आ जाती है, तो आपकी जून, और जून में तो नहीं होगा, जुलाई में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि आपको मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ, मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक महीना पहले हमें पता चल जाए, लेकिन मिनिमम 15 डेज का टाइम हमें मिलेगा। अगर आपकी एग्ज़ाम मान लीजिए 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपको 25 तारीख को, लास्ट मंथ के 25 तारीख से पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। मान लीजिए अगर हमारी एग्ज़ाम 25 जून को होने वाली है, तो हमें 10 जून तक ये अपडेट मिल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम 25 जून से है। तो मिनिमम 15 डेज, मैं 15 डेज मिनिमम बता रहा हूँ, उससे पहले ही हमें पता चल जाएगा कि आपकी ये डेट रहने वाली है एग्ज़ाम की। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने क्लियरली बोला कि फिलहाल जो है कोई अपडेट नहीं, आप सिर्फ ऑफिशियल साइट, कोई भी थर्ड पार्टी साइट को विजिट मत कीजिएगा, जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है आपकी joinairmanselection.cdac.in पे, इस पे आप विजिट करते रहिए, वहाँ पे जो भी अपडेट आएगी, फर्दर अपडेट वहाँ पे ही अपडेट मिलेगी आपको। तो उन्होंने क्लियरली ये तो नहीं बताया कि आपकी एग्ज़ाम डेट ये रहने वाली, उन्होंने बस मुझे ये बताया कि आप जो है हमारी जो ऑफिशियल साइट है आप उसे विजिट करते रहिए, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आप भी गाइज, आप भी जो है सिर्फ ऑफिशियल साइट को विजिट करिएगा। गाइज, मुझे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स का भी कॉल आ रहा था, उन्होंने पूछा कि क्या एग्ज़ाम कब होने वाली है, और गाइज मैंने भी फॉर्म भरा, तो मुझे भी ये भी मेरे मुझे भी फिक्र है कि मेरी एग्ज़ाम अब कब होगी, मेरी तैयारी कहीं रुक तो नहीं जाएगी। तो गाइज, हमें जो है बस अपनी जितने भी हम लोगों ने तैयारी कर लिया, हमें उसे रिविज़न में रखना है, ठीक है। हमें जो है रेस्ट नहीं लेना, क्योंकि अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर हमारी जो है एग्ज़ाम टाइम में हम प्रेशर में आ सकते हैं। तो गाइज, हमें बस अपनी रेगुलर रिवीजन रखनी है, और जैसे ही कोई एग्ज़ाम की फर्दर अपडेट आती है एग्ज़ाम डेट की, तो गाइज मैं सब आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो गाइज, आप सबसे पहले तो वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कि मैंने क्या बात किया उनसे। तो गाइज, ये है आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो आपकी स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहेगी, ये मैंने कॉल रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हो यहाँ पर डेट टाइम देख सकते हो, और मैंने काफ़ी कॉल किया इससे पहले भी, आप मेरे कॉल हिस्ट्री देख सकते हो, मैंने काफ़ी उन्हें कॉल किया लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे। मैं बहुत दिन से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 1 वीक से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करते हैं, और आज फाइनली उन्होंने कॉल पिक किया एयरफोर्स के हेल्पलाइन नंबर पर, फाइनली आज मेरा कॉल पिक हुआ, तो उन्होंने रिप्लाई मुझे ये दिया है। आप भी सुन सकते हो, अगर आपको भी गाइज जानना है कि आप भी बात कर सकते हो, तो आप क्लियरली जाइएगा ऑफिशियल साइट पे, वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर है, या फिर जिस हेल्पलाइन नंबर पर मैंने कॉल किया, आप उसे, वहाँ पे 2 हेल्पलाइन नंबर मिलेगी आपको, आप किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे बात करके खुद भी पता कर सकते हो। और आपको भी अगर कोई अपडेट मिलता है तो गाइज़, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वो अपडेट बता दीजिएगा कि आपको ये ऑफिशियली कुछ अपडेट आया है, या फिर हेल्पलाइन नंबर पर आपकी जो भी बातचीत होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक गाइज़ मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, अगर आपका कोई डाउट है तो वहाँ पे आप डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो गाइज, आप ये पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। सर, मेरा नाम मोहित कुमार है। सर, मोहित बताइए। सर, मुझे एक जानकारी चाहिए थी सर, जो अभी जो एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है कि आपकी जो सर ये जो एग्जाम जो हम लोग की जो पोस्टपोन हुई है सर,
ये एक नोटिफिकेशन वाला बोला कि ये 15 जुलाई से एग्जाम होने वाला, तो क्या सर ये इन्फॉर्मेशन फेक है या फिर रियल है सर? आपने कल फोन किया था ना? जी नहीं सर, मैंने कल फोन नहीं किया था, आज ही मैंने सर मैंने आज ही फोन किया, मैं कल फोन नहीं किया था मैंने। अच्छा, देखो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आप जो भी जानकारी होगी जो यहाँ मिलेगी वो आपको वेब पेज में मिलेगी। मतलब वेब पेज में ही अपडेट आएगी ना सर? हाँ, जो वेब पेज में है वही अभी तक करेक्ट है जी। तो अभी तो वेब पेज में सर कोई अपडेट नहीं आई थी। मतलब सर मिनिमम हम लोगों को मतलब कितना दिन पहले पता चलेगा कि आपका एग्जाम, मतलब 15-20 दिन पहले पता चलेगा ना कि एग्जाम का डेट ये रहने वाला है? हाँ, पक्का पक्का जी सर, इतनी जानकारी चाहिए। विजिट करते रहना वेब पेज पे, ठीक है? जी सर, वेबसाइट में रेगुलरली विजिट करता हूँ, डेली मैं सुबह शाम एक बार विजिट करके चेक करता हूँ। थैंक यू सर। गाइज ये थी मेरी बातचीत जो मैंने इंडियन एयरफोर्स के हेल्पलाइन नंबर पर बात की थी, और यही वो कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि गाइज इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी मदद हुई होगी, और गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर हेल्पफुल लगा हो तो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर गाइज आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से मैं और भी मोटिवेट रहता हूँ कि मैं आप लोगों तक रेगुलर वीडियोज़ या फिर रेगुलर अपडेट जो लाता रहूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत, बाय बाय टाटा।